आप सबके समक्ष मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊं। तो आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉलेजेस के बगल में। कॉलेजेस के बगल में। कितने समय से? आप ही जाते हैं? नहीं जाते हैं। ओके, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों जाते हैं? क्या विचार है इस विषय का? आपका नाम? सोहम। सोहम, बताइए सोहम। लोगों को कैसे भक्ति के मार्ग में लाना है उसका एक मैनुअल टाइप का देना। मैनुअल टाइप का देने के लिए जाते हैं। आप क्यों जाते हैं? भगवद्गीता के बारे में जागरूक करने के लिए। लोग पढ़ते नहीं भगवद्गीता जनरली, जबकि कहा गया मतलब सबके घर में भगवद्गीता होनी चाहिए और सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन आजकल कोई बस बोलते हैं कि हाँ पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते नहीं। तो आप सबको भगवद्गीता देते हैं? तो हम मान लेते हैं कि आप पढ़ चुके हैं। पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। आपका नाम? रूपम आनंद। रूपम, बताइए आपका नाम क्या बताया? मनीष। मनीष, लोगों को भक्ति के मार्ग में आने के लिए। आपका शुभ नाम? रोशन कुमार। बताइए। पहली बात तो ये कि श्रीला प्रभुपाद जी के आज्ञा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो उसके लिए और अपनी शुद्धि के लिए और साथ साथ में लोगों का भला भी हो जाता है। सही है। तो आप सबने बहुत ही वैलिड रीजंस को स्टेट किया एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप सब अपनी समझ के अनुकूल रहकर भगवद गीता या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक पुस्तक का वितरण करने जाते हैं, स्वीकार करते हैं कि इसकी आवश्यकता इस समाज को भरपूर है। करेक्ट। अभी बहुत अच्छा है कि आप सबने अपने जीवन में निर्णय लिया है कि आप ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं जो समाज के कल्याण व हित में लगी हुई है। करेक्ट। तो इस कौन का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? थैंक यू, वो तो मुझे भी पता है, हिंदी में पूछा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। करेक्ट। ये संघ है, जिस प्रकार कई प्रकार के संघ हैं इस संसार में, उसी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने एक संघ का निर्माण किया था जिसमें वह चाहते थे कि इस तरीके के लोग जुड़े जिनका भक्ति करने में आनंद या रुचि बनती हो। तो सत एक सरल जीवन को चाहते हैं, परंतु परिस्थिति उनकी सरलता को विपरीत बना देती है। राइट। अभी विपरीत परिस्थिति में मनुष्य वो काम नहीं करता है जो कि मनुष्य शरीर प्राप्ति के अनुकूल उसे करना चाहिए। तो क्या होता है? वह कार्य करता है जिससे वह कर्म बंधन में लग जाता है, और कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु जब एक प्रमाणित आचार्य आकर हमें ये जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अपने कर्मों से तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन यदि किसी को भक्ति में जोड़ दिया और स्वयं जुड़ के टिके रहे तो उम्मीद पूरी है। तो अब जिस प्रकार समाज के लोग परेशान हैं या मान लेते हैं कि कष्टों से जूझ रहे हैं, हाँ या ना, तो वैसे हम भी तो जूझ रहे हैं। करेक्ट। यस नो, आपको इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस है कि हम भी जूझ रहे हैं या नहीं, हाँ या ना? तो अगर हम खुद लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब वही परिस्थिति में अन्य जीव भी हैं। राइट। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक अनुकूल संघ प्राप्त होता है जिससे आप सीख लेते हैं कि ये संसार तो दुखालय या शाश्वतम ही है, हाँ या ना? क्योंकि इसका भी बहुत फर्म कन्विक्शन होना ज़रूरी है। ये संसार क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट। आप बोलें
आज इसको ख़त्म करेंगे तो कल खुश रहेंगे, हाँ रह सकते हैं बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है, पर तब तक के लिए जब तक कोई दूसरी समस्या आके खड़ी ना हो जाए। तो इन नटशेल व्हाट इज हैप्पीनेस, what is happiness? It's a very simple question, right? What is happiness? Which level ends? Okay, not a bad try. See, you're just four, so I can individually ask all of you. Tell me. You think about it. What is happiness? The absence of misery is happiness, simple. Correct? Absence of misery is happiness, correct? Now, where is the absence of misery, you tell me? See, you're sitting with the fans off, there's such a big misery in itself. Correct? And then, in few days from now, the misery will even more aggravate, because even if you turn the fan on, you'll still not be relieved, because the heat will be intense. Correct? And then there are a few more miseries that you're dealing with at a very personal level. What to speak of that? Could be something related to where you come from, could be something related to your mind, your body, someone else bothering you, right? So, absence of misery is what we experience as happiness in this world. You agree? Now, the sad part of the whole story is that there is no end to it. So, when I became a devotee, I'll tell you my example. When I became a devotee, I thought, wow, now that I'm a devotee, there's no misery at all. Like, what a beautiful life. And when misery started coming, you know, I used to get confused. Why? Why me? Abhi toh main devotee ban gaya, right? And Krishna says, whosoever surrenders unto me, you know, he live a life of eternity, peace, bliss, happiness. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा है, अरे अब तुम डिवोटी बन गया, अभी मिस्री आ रहा है, तो ये तो बहुत गलत है। बट एज आई वॉज ग्रोइंग आई हैड टू बिलीव एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मिस्री इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, दिस डजंट स्टॉप, दिस जस्ट डजंट स्टॉप विद यू, इट जस्ट डजंट स्टॉप विद एनीवन, करेक्ट? नाउ व्हाट इज द वे आउट टू गेट आउट ऑफ इट इज टू सीजन योरसेल्फ विद राइट नॉलेज, correct? Like the way when you go and have a pizza, you get seasoning with it, complimentary. Why? So that the pizza tastes better, right? So we have misery like a pizza. Now when you season it with right knowledge and understanding, the misery seems better. Otherwise it's worse, isn't it? So when you have the right knowledge and when you apply that knowledge in your life, to a very large extent the misery may not be felt as it is usually felt. That is my personal understanding about this. So, we all experience it. And it's hard to overcome. Ab hum bolte hain, you know, Brahma Bhuta Prasanna Atma Na Sochati Na Kanchati Sama Sarva Bhuteshu, right? Uske aage kya hai? Mat Bhakti Labhate Pradhan, right? Prasanna Atma. How do we become Prasanna Atma? That is the big question. कैसे बने प्रसन्न आत्मा? Are you serious? कितना समय से जुड़े हुए हैं? दो महीने से। बहुत प्रसन्न होके फिर तो आप पहले के कंपैरिजन में बैठे। तो ये भी अच्छा है कि आप एनालाइज कर रहे हैं पहले क्या था और अब क्या है। मुझे लगता है आत्मा की प्रसन्नता तभी होती है जब उसे बढ़िया प्रसाद खाने को मिलता है। केड़ों से आपके और से पूरा संसार जुड़ा हुआ है। ये हमारे बैठे आचार्य ने भी ऐसे ही शुरू नहीं किया, उन्होंने भी प्रसाद के माध्यम से ही शुरू किया था। खैर प्रसाद तो बहुत शक्ति है, वैसे एक्चुअली इंसान प्रसन्न हो जाता है। आपको बढ़िया, आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, मतलब कि एकदम ज़िंदगी में कोई उम्मीद बची नहीं है और आपके सामने बढ़िया सी एक थाली आ जाए, है ना, जिसमें आपको जो खाने को पसंद है। अब यहाँ की डिश स्पेशलिटी मैं तो जानता नहीं हूँ, पर मान लें कि यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए जो आपको खाने में बहुत पसंद है, आप देखोगे अचानक से एकदम माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। करेक्ट? ऐसे लगता है कि जैसे अज्ञानता का पर्दा एकदम हट गया है। प्रसाद हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले इन स्पिरिचुअल लाइफ, बट
The biggest role that plays in our life at a very individual level is right knowledge. Correct? And when you try to follow this knowledge gets you very deeper realizations. See, 2 months se bhi take care rehna and to live a life where you're living in discipline. I understand bahut rigid discipline nahi bhi hoga, but then basic discipline of at least trying to roll the beads, chanting the holy names, in itself is a big achievement. Right? Now, you know कि अभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आई नो द रूट कॉज. करेक्ट? सी फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट? बट देन दैट नेसेसरली डजंट मीन दैट माई प्रॉब्लम वुड ऑल्सो बी सेम. योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट वी आर डीलिंग विद. करेक्ट? सो वॉट इज द रियलिटी? डू वी रियली हैव अ प्रॉब्लम? No, the problem is not there. It's just a perception of the mind. Because if the problem is there, then it should be common for everyone, right? But then our problems are not same for everyone. That means that it's just a perception of the mind, and the problem in reality does not exist. Therefore, the first session that we usually give everyone is Art of Controlling the Mind. Did you get that? Because that is where everything starts from. Thinking, feeling and willing starts from mind. The mind. Correct? For someone who is in misery with one problem, there could be a possibility that the other person may be dealing with the same problem. However, he is not miserable. He is very happy. How? Because he is in a perfect mental setup. So the first thing that we learn being practicing devotees is how to always be calm and peaceful. Everyone is not calm and peaceful. But those who very sincerely practice the process of devotion would eventually become very calm and peaceful. See, if you're not calm and peaceful, then in any agitative situation, you'll lose your mental composure. Yes, no? Yes. And if you lose your mental composure, then you may act very weird. For example, tomorrow when you all get into the corporate world, right, you'll have to face pressures, you'll have to face politics. You can't get over it just because you don't like it. Aisa toh ho nahi sakta, wo exist na kare. And you'll also have to learn how to be very diplomatic with people. You don't have a choice. Right? But then imagine if you're mentally not very composed, then what happens? You know what? You can be a complete failure in the system of sophisticated politics. So one has to be very, very smart. Extremely visionary, and should know the art of connecting with people at a positive note. Well, Bhagavad Gita really gives us that information, right? And your sincere endeavors to practice the process of Krishna consciousness will actually give you the right intelligence with which you can acquire all of these qualities which are needed for a happy survival in life. See, I'm telling you all of this with my own experience. I come from a very strong corporate background, right? And when we think of going out to give our peace of mind to someone else, correct, in the form of these books, he doesn't really know, he doesn't know the book, he knows you, because you're the one who is standing with the book in your hand. You speak more than the book, correct? But then if you really don't know what to speak, then the books will not go. See, even if someone has appreciation for what you are practicing, necessarily doesn't mean that he will become a part of your group. Book distribution typically means whosoever you approach with a book ideally should follow your footsteps. Therefore, this is one such activity where you get to make the best of all friends. Right? Sabhi, I was just narrating a story. My 3,000 followers on Instagram increased only because of book distribution. 3,000 में 1,500 तो वही हैं जिनको मैं बुक्स दे चुका हूँ,
और वही है जो अनफॉलो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वो होता है अभी उनके साथ ऐसा बॉन्ड बन चुका है कि वो भगवत गीता या कोई बुक दिया हमारे को, वो ऐसा उन लोगों को लगता है। आई ऑल्सो फेल्ट द सेम, जो फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने बुक दिया था तो एक बहुत यू नो एक बहुत अच्छा इमेज बन गया था उस इंसान का मेरे माइंड में कि ये तो बहुत अच्छा है, यू नो कितना अच्छा काम कर रहा है, ये तो मेरा वेल विशर बन सकता है, तो इसको तो मैं अपनी लाइफ में कभी वाइप आउट नहीं करने वाला बिकॉज यही है जो मेरा वेल विशर है। ये मेरे को बुक दिया, कैसा बुक दिया जो कोई पढ़ना नहीं चाहता, राइट? मैं भी नहीं पढ़ना चाहता था, कौन पढ़ना चाहता है? बहुत रेयरली कोई बोलेगा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो रेयर जो बोलता है ना, राइट, उसको कोशिश करो पकड़ने का, राइट, गिव हिम द बुक, राइट, एंड देन गेट ऑन टू हिम एट दैट लेवल ऑफ अ रिलेशनशिप वेयर एन ही स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग यू फॉर व्हाट यू डू। वेल दैट नीड्स अ लिटिल एक्सपीरियंस, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, राइट। फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब बाहर जाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं आपको, बताइए। हाँ तो उनको बोलो हमारे पास भी है। हाँ यार आप बुक लेके गए, आपके पास भी है ना, मुझे भी यही बोलते हैं, वी हैव इट। लाइक सो आई आल्सो हैव सीन देयर आर 3 कार्टन्स 100 बुक्स आई हैव टू गिव इट टू यू नाउ, आई विल नॉट बी एबल टू गो बैक विद ऑल ऑफ दीस बुक्स, राइट। तो वो बोले हैं, बोलो हमारे पास सबसे ज्यादा है, हमें बांटते हैं, आपका लोड क्या हमारा लोड देखो ना। और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेनली बोलते हैं कि हमारे पास कॉलेज का बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उनको बोलो तुम्हारे पास कॉलेज का बुक पढ़ने का कभी टाइम होगा ही नहीं क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं है, अगर इंटरेस्ट होगा तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, पहली बात। नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज सब देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट है, करेक्ट? अभी इंटरेस्ट ना होता तो कौन देखता, तो दिस इज बुलशिट। वो बोलते हैं टाइम नहीं है, उनको बोलो ऐसा नहीं है, तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही हैं, पहली बात, राइट। तुम हमें क्या समझाओगे, हम तुम्हें समझाएंगे, आओ। और क्या पूछते हैं, तो वही टाल देते हैं, बोलते हैं कि अभी बुक मतलब पैसे नहीं है, या फिर बोलेंगे कि ये बुक ऑलरेडी हमारे पास है, अलग तो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जिसको बोलता है पैसा नहीं है उसको बोलो छोटी बुक देंगे 5 रुपए वाला, तुम बोलो, कोई बोलता है, फिर कभी कभी चले जाता है। हाँ बिल्कुल, 5 रुपए वाला देंगे तुम लोग। सी आई एम टेलिंग यू, ये ऐसी एक्टिविटी है जो करने से आपको हमेशा यू नो व्हाट, लाभ तो नहीं मैं बोलूँगा, मैं तो कहूँगा आप खुश रह सकते हैं। मुझे किसी ने एक बार पूछा, व्हाट यू गेट आउट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आई सेड आई गेट ड्रंक विद हैप्पीनेस व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट, आई मीन यू नो अनएक्सपेक्टेड को टर्न अराउंड करना इन योर फेवर इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बता रहा था कि आई एम फ्रॉम दिल्ली टेम्पल एक्चुअली, सो दैट्स अ ह्यूज टेम्पल। तो एक बार हम लोग मंगल आरती के बाद, फिर प्रसाद के बाद, फिर 10 बजे मैं ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था और मैराथन बस चालू हुआ था अभी, तो हमारे में ना वहाँ पर बहुत मोटिवेट कर दिया जाता है कि नहीं करना है, तो हम भी कहते हैं करना है तो करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी ऐसे ही एक घूमता घूमता आया, वेरी यंग गाय, तो मैंने बोला हरी बोल हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा, ऐसे वेर आर यू फ्रॉम, कहते हैं फ्रॉम मुंबई, ऐसे कूल टेक दर्शन। तो अभी जाने लगा अंदर, तो उसको मैंने बोला यू नो आई वांट टू टॉक टू यू, कहता ओके आई टेक दर्शन एंड आई कम बैक। दर्शन करके वापस आया, मैंने कहा यू सी वी हैव आर एनुअल टीचिंग एक्टिविटी कॉल्ड बुक मैराथन, आई वॉन्ट यू टू हेल्प अस यू नो स्पॉन्सरिंग सम बुक्स। तो ही सेड हाउ मच, I said, do whatever you want, maybe 25, right? So he said, okay. He said, I want to settle by my card, credit card. I said, chalo, credit card swipe karte hain fir. Abhi hum gaye kahan pe? Bookstall pe, kyunki wahi pe ATC machine hai. Wahan pe gaye, to jo Prabhu ji wahan baithe the, to unhone kaha kitna? Maine kaha, let's do 32. Kehta, okay. To card unke haath mein tha, to bola Prabhu ji 32,000 kaat lo. तो मुझे लगा वो 25 बुक करेगा, उसको 32 बोला, तो मैंने बोला चलो एक कार्टन करा लेते हैं, एक कार्टन में 32 हिंदी बुक्स रहती हैं। उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, राइट? वो 32,000 रुपये मेरे को स्पॉन्सर करके गया, राइट? सो मैं भी बहुत मोटिवेट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था। सो आई वॉज जम्पिंग द होल डे कि आज ऐसा हो कैसे गया, राइट? दैट वॉज एन अचीवमेंट, यू नो इट्स मेरे लिए तो ऐसे था जैसे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया होता है किसी को,
कि 25 बुक्स होता था बट वो 32,000 रुपीज का बुक एंड ही डिडंट इवन टेक अ बुक बैक, एक बुक भी नहीं लेके गया वो, कहता इट्स ओके मेरा काम हो गया आई एम लीविंग। तो मैं उस दिन से लेकर आज तक यू नो एवरी ईयर ही गिव्स मी 50,000 रुपीज फॉर बुक्स, राइट। तो ऐसे करते करते बहुत सारी कहानियां हैं, आई वाज इवन टेलिंग इट टिल द अदर बेस कि आई मेड अ गाय जो अपने बर्थडे पे आया था, तो मैं सुबह से बुक्स बांट रहा था, आई फीलिंग वेरी हंग्री। तो हम क्या करते हैं कि यू नो हम थोड़ा बोल देता हूँ मैं लोगों की कोई ऐसा प्रसाद चढ़ा के लेकर जा रहा हूँ मंदिर से, मैं उसका प्रभु जी कुछ खिला दूँ तो कम से कम प्रसाद ही खिला दूँ, आपके हाथ का तो है ही। तो बोला हाँ बिल्कुल लीजिए प्रभु जी खाइए खाइए। मैंने कहा क्या करते हो, कहता सीए हूँ और आज कैसे आना, आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा बहुत बढ़िया हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सेवा कर दो क्या करूँ। मैंने कहा कुछ बुक्स स्पॉन्सर कर दो, कहता चलो कर देते हैं। मैं कितना करोगे, कहता 5,000 रुपये की ले लो, राइट। तो वहाँ पे भी हुआ, तो वैसे ही मैं बोल रहा था अभी हम रेड लाइट्स पे जाके बांटते हैं, तो आई वॉज अकेला था मैं रेड लाइट पे, 6 घंटा उस दिन मैंने किया था, मेरी लाइफ में पहली बार। मैं सोच के आया था कि आज मैं सब बुक्स बांटते ही जाऊँगा वापस, तो मैं 12 बजे आया था, रात को 8 बजे पहुँचा था एंड मेरी सब बुक्स ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने शुरू कैसे किया, मैं रेड लाइट पे जैसे ही वो मान के चल लीजिए 2 मिनट की रेड लाइट होती थी, तो मैं ऐसा बुक पकड़ के हर गाड़ी पे जा जाके नॉक करके प्लीज़ टेक अ बुक टेक अ बुक टेक अ बुक। तो एक लेडी बाहर आई गाड़ी से, शी वाज ड्राइविंग हरसेल्फ, शी सेड एक्सक्यूज मी, आई सेड यस आई वांट द बुक, आई सेड टेक इट हाउ मच कैन आई गिव यू, कुछ भी कर दो 300 500 1000, शी सेड टेक 500, राइट। ऐसा हुआ, फिर एक बार कॉल सेंटर की कैब थी, आगे एक यू नो व्यक्ति बैठा हुआ था, तो आई से टेक द बुक, ही सेड हाउ मच डू आई गिव यू, आई से व्हाट एवर यू हैव इन द पॉकेट, बिलीव मी ही गिव मी एवरीथिंग। उससे जेब से निकाला और सब हाथ पे दे दिया एंड आई हैड अबाउट 2200 रुपीज, मैंने काउंट किया था अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो देखिए अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा बेशरम बन चुका हूँ क्योंकि अगर मैं बेशरम ना बनूं तो मैं किस सबसे पैसा मांगूंगा, राइट। तो होता ही है कि मैं एक बुक का यू नो फॉर वन बुक इफ आई टेक 2000 रुपीस, कितनी बुक्स होगी 10, 200 के हिसाब से, तो अभी एक ही एक शॉट में 10 बुक्स का सक्सेस मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। एट द एंड ऑफ द डे आप क्वांटिफाई कैसे करते हो, नंबर ऑफ बुक्स, करेक्ट। सो नंबर ऑफ बुक्स कैन ओनली बी प्रूवन व्हेन यू हैव मनी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। बुक्स तो जाने वाली नहीं है पर पैसा तो आ ही सकता है, राइट। सो टेक द मनी, सो वेर एवर आई गो, राइट, बी इट मुंबई, सी यूनाइटेड एट इन मुंबई ऑल्सो, सो आई वॉज इवन टेलिंग देयर, सो पीपल देयर आर वेरी काइंड, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे से कीप द मनी टेक द बुक, वी डोंट वांट द बुक। सो टुडे वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग आस एट अ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी ऐसा ही था, राइट। लोग जा रहे थे ऐसे, एक्सक्यूज मी वी आर गिविंग दिस बुक टू एवरीवन, ऐसा पकड़ा दिया। आप एकदम बोल्ड हो जाओ, जस्ट टेल देम वी आर गिविंग इट टू एवरीवन, सबको दे रहे हैं एंड बी हैप्पी, ऐसा मोरोस फेस नहीं बनाना है, खुश रहो, सबको दे रहे हैं, हम सबको ही दे रहे हैं, आए ना। हमारा टारगेट ये है कि मेरे सामने जो आएगा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं सबको बुक दूंगा, वो ले या ना ले उसकी मर्जी। तो आई सेड सबको दे रहे हैं आप भी लेकर जाइए, नो नो आई हैव इट, आई सेड नो प्रॉब्लम यू स्टिल हैव अ लुक एट इट, हाथ पे पकड़ा देखा, आई सेड कम हियर ऑन माय टेबल वी हैव मोर बुक्स, वो बुक लेकर ही गया वहाँ से कुछ कुछ एक उठाकर। सो बिकम स्मार्ट, इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स यू विल हैव टू लर्न टू बिकम वेरी स्मार्ट, व्हेन यू आर आउट विद द बुक्स इन योर हैंड्स मतलब ये वापस नहीं जाएंगी, ये किसके पास जाएंगी, जो सामने खड़े हैं उन्हीं के पास जाएंगी। टारगेट फिक्स करके रखो, 10 बुक्स लेकर गया तो 30 का लक्ष्मी लेकर आऊंगा, कितने का, दैट्स नॉट अ बिग डील आई एम टेलिंग यू, राइट। एक बार मेरे हाथ पे 5 रुपए की बुक थी, एज एन एक्सक्यूज मी दिस इज फॉर यू, ही सेड क्या है, मैंने कहा दिस बुक विल हेल्प यू इंटेंसिफाइंग योर डिजायर फॉर मेडिटेशन, कहता रियली, आई सेड यस, लुक एट द पिक्चर, दैट्स कॉल्ड अ शॉर्ट स्टोरी, कहता ओके, ही सर हाउ मच डू आई गिव यू, आई सेड व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी दे दो, कहता फिर भी, मैंने कहा जो सबसे बड़ा नोट है वो निकाल के दो, 500 रुपया दिया, राइट। सो माय पॉइंट इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत स्मार्ट बन सकते हैं अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो, राइट। वो तो आप खैर हैं ही,
पर अभी स्मार्टनेस का प्रदर्शन बाहर जाके भी करो. राइट, सी वी आर ऑल शेमलेस, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. करेक्ट, अभी आपको कोई ऐसा करना होना जो आपके बहुत हित में होगा, फायदे में होगा, आप किसी भी हद तक गिर जाओगे उसको करने के लिए. तो हम ये बुक्स बांटने के लिए क्यों नहीं गिर सकते, क्यों नहीं गिर जाओ ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोग अपने मन से मतलब नहीं देंगे पैसे. नहीं, हम तो उनसे निकलवा लेते, मैंने तो आज भी निकलवाया. या सीरियसली आज भी निकलवाया, एक मुस्लिम को दिया और 250 रुपये दे के भी गया. एंड ही वॉज अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू ऑल. सो यू नो व्हाट, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव इट. अपने मन से नहीं देते, सब अपने मन से ही देंगे. आप कनेक्ट करना सीखो ना उनके साथ, बी हैप्पी. सी आई टेल यू, आप बुक्स बांटने जा रहे हो, कोई टारगेट नहीं है. करेक्ट, आपका ये टारगेट है कि बस ये बुक्स मैंने सारी की सारी देनी है, चाहे कोई भी मिले. राइट, आपके सामने जो आ रहा है, बात कर रहा है, उसके हाथ पे पकड़ा हुआ. नहीं भाई, तेरे लिए ही लेकर आया था, अब तो तुझे लेनी पड़ेगी. मन में ऐसा सोचो, एंड दिस बी वेरी नाइस, एंगेज इन, बात करते रहो. वेर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, अप्रिशिएट करो. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. करेक्ट, एंड आई एम श्योर यू कैन रीड द बुक. मैं तो बोल देता हूँ, आई एम श्योर यू कैन रीड द बुक. आपको तो देख के लगता है यू कैन डू मेक थीसिस ऑफ PhD. व्हाट टू स्पीक ऑफ भगवद गीता, इट्स नथिंग. राइट, तो भी बोलेगा अरे वाह यार, इसको कैसे पता मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ. सो व्हेन यू एनकरेज पीपल, हाँ व्हाट्स दैट, मना भी नहीं कर सकते क्या. सो व्हेन यू एनकरेज पीपल लाइक दैट, उनको लगता है ये ट्रू वेल मेशर तो यही है, ऐसा ही इंसान तो चाहिए था जो मेरी बुझी हुई लाइफ पे कुछ रोशनी डाल दे. राइट, कुछ तो उम्मीद दे, पूरी दुनिया मुझे नालायक समझती है. ही इज द वन हु रियली थिंक्स आई एम वर्थ समथिंग. करेक्ट, एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू व्हाट दिस मोटिवेटिंग अदर्स रियली वर्क. मेरे सामने जो आता है मैं उसको दबा के मोटिवेट करता हूँ. बोलेगा प्रोस जी ऐसा हो गया, मैं कहता हूँ तो क्या हुआ, कोई आपके साथ पहला हुआ है लाइफ में, ये तो लाइफ ही है, तो सबके साथ चल रहा है. टेक इट ईजी, मस्त हो जाओ, हो गया भूल जाओ, आगे बढ़ो. सी, गर्लफ्रेंड के लिए रोने वाले तो कितने ही आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, शी लेफ्ट मी, आई सेड गुड ना, यू ऑल्सो लीव हर, मूव ऑन, शी मूव्ड ऑन, यू ऑल्सो मूव ऑन, चार मिल जाएंगी और, क्यों परेशान हो रहा है तू, बुक पढ़. राइट, तो मेरे पास फ़ोन आते हैं लोगों के बाद में, यू नो व्हाट वी वांट टू टॉक टू यू. आई सेड अबाउट व्हाट, अबाउट माई रिलेशनशिप. आई सेड यू नो व्हाट, टॉक टू समवन हु हैज बीन इन अ रिलेशनशिप. आई मीन नो रिलेशनशिप, व्हाट कैन आई कंसिडर यू. आई हैव नेवर मेड गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ, एंड इवन इफ शी वॉज, शी वॉज जस्ट एक नॉर्मल फ्रेंड. मैं क्या बताऊंगा आपको, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. आप इनसे काउंसलिंग बात, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, गर्लफ्रेंड छोड़ दोगे ज़्यादा खुश रहोगे. और कई लोग समझ आ रहे हैं, मान भी जाते हैं. और हम क्या करते हैं, हम सबको बुक्स पे बांट देते हैं. हाउ डिड आई मीट यू, नहीं उनको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही जोड़ा, और एक बार उनसे करवा भी चुका हूँ. राइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे इससे कितने सारे. अभी मेरे को नहीं पता होता, पहले तो मैं क्या करता था, मैं वृंदावन में जब करता था तो मैं उस पर अपना ऑटोग्राफ देख लेगा, यू नो, विद माई नेम एंड माई नंबर. अभी तो इंस्टाग्राम आ गया है. राइट, तो तब तो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते थे, आपने किताब दिया, हमने पढ़ा, हमें बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा. बिल्ड रिलेशनशिप्स, इट्स द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. यू ऑल वॉन्ट फ्रेंड्स इन लाइफ, राइट? योर बेस्ट फ्रेंड्स आर दोज हु विल बी कनेक्टेड थ्रू वाया मीडियम कृष्णा. सिंपल थिंग, जिसको भी बुक दे रहे हो उसको अपना नाम नंबर दो. राइट, दूसरा कोई बोले बुक नहीं चाहिए, उसको बोलो मत लो, किसी और को दे सकते हो, मना नहीं करेगा. बोलो ठीक है, आप एक काम करो, इस बुक पे अपना ऑटोग्राफ दे दो, आज का डेट टाइम और प्लेस डाल दो, हम आपके बिहाफ पे ऐसी जगह पे जाके देंगे जहाँ पे लोग जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. आई डिड दैट इन नोएडा, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड 60 बुक्स इन 1 आवर, भगवद गीता. लोगों को एक भी नहीं दिया, उनका साइन करके लेके पैसा लेकर छोड़ दिया, वो चले गए. दैट ऑल्सो वर्क्स, एंड आई कैन टेल यू दिस चैरिटी एवरीवन वांट्स टू मेक, बिकॉज सबको पता है भगवद गीता क्या है. राइट, कल आप कमाओगे, आपके पास भी बहुत सारी होंगी, आप भी बोलोगे नहीं चाहिए, बहुत है. क्या बोलेगा, आपको नहीं चाहिए, किसी और के लिए तो दे दो. आपको कि चलो ठीक है, 200-300 रुपये की बात है, टेक इट. यस नो सर, इट्स नॉट अ बिग डील. आई एम टेलिंग यू इन अ सिटी लाइक दिस,
this is a very small contribution you can ask the public for. What to speak of anything big. So believe me, आप सब हर रोज जाके कुछ ना कुछ बड़ा करके आ सकते हो. आप जब करने लगोगे ना थोड़ा डिफिकल्टी आता है, बिकॉज यू आर ऑल वेरी न्यू राइट नाउ. बट देन आई, यू नो व्हाट, आई कैन गिव यू माय वर्ड ऑफ अश्योरेंस, वन ईयर के बाद यू विल ऑल बी चैंपियंस. सबसे पहले जिसको भी देख रहे हो उसको बोलो सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ऐसे पकड़ा दो, गिविंग इट टू एवरी वन. बस इतना ही बोलना है. नहीं वो चलेगा नहीं, पहले तो वो हैरान हो जाएगा कि सबको दे रहे हो तो फिर मुझे भी लेना चाहिए. सी एक थॉट ये आता है, राइट, मुझे लेना चाहिए. जब उसके हाथ में दोगे तो उसको कहना जस्ट हैव अ लुक, राइट. फिर बोले कि इज इट फॉर फ्री, कहना यस द नॉलेज इज फॉर फ्री बट प्रिंटिंग हैज अ कॉस्ट. यस नो, वो एक्सेप्शन है, वो रेयर एक्सेप्शन होते हैं, पर उसमें आप परेशान मत हो. सी आपको वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट. अगर आपको पता है, यू नो व्हाट, आई थिंक विद टाइम यू विल बिकम अ लिटिल एक्सपीरियंस. जब आपको पता है कि एक बुक से पांच बुक्स का पैसा निकल रहा है, एक लिपिक है तो क्या हो गया है, जाने दो, राइट. इतना चैरिटी तो हम भी कर ही सकते हैं किसी के लिए, इज़न्ट इट, दैट्स नॉट अ बिग डील. ले जाए ले जाए, क्या हो गया, एक कार्टन ले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है. एक कार्टन लेके जाएगा, मुझे पता है कि मैं 10 कार्टन का पैसा किसी और से निकलवाने को तैयार हूँ, टेंशन क्या है. जस्ट कीप द कॉन्फिडेंस, इट्स नॉट अ बिग डील. सी आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड हैज अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट मनी दे डोंट रियली नो वेयर टू यूज. प्लीज एंगेज देयर मनी इन कृष्णा सर्विस, राइट. आई वॉज एट द टेम्पल, तो मुझे एक बार किसी ने आके बोला कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं. मैंने कहा आप एक काम करो, आपको सेवा करना है ना, बहुत गर्मी है, आप शाम में लोगों को ठंडी लस्सी बांटो और साथ पे उनको कुछ प्रसाद खिलाओ. कहते कितने लोग का, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, 500 लोगों का कर दो. वो कर दिया, राइट. दैट इज़ अ कॉस्ट, राइट. अबाउट 500 लोगों को खिचड़ी खिलाना, 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 1500-2500. दे गिव मी 51,000 रुपीज़, कैन यू बिलीव इट. सिर्फ खाना और पीना करने के लिए. और मैंने उनको बोला कि हम आपकी इमेज के साथ में एक पोस्टर बनवाएंगे और जब ये बट रहा होगा तो आपको बुलाएंगे और आपके हाथ से सबको खिलाएंगे, राइट. नाउ यू टेल मी हु डजंट वांट टू डू दैट. सब करना चाहते हैं ना. आप भी तो किसी को 2000 आपको बोलेगा कि नहीं तुम्हारा फोटो छापेंगे हम न्यूज़पेपर में देंगे, आप भी बोलोगे अरे क्या 5000 रुपये लेना. यस तो, राइट. सो द पॉइंट इज कि हम चीट नहीं कर रहे हैं, हम इनफैक्ट उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी कर्म ऐसे हैं जो कटेंगे नहीं, बहुत मुश्किल है. सो जाओ जेन्युइनली जाके हेल्प करो लोगों को. कोई बोलेगा आपके अगेंस्ट भी तुम गलत कर रहे हो ये, तो उसको बोलो भाई ठीक है वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, वो हमारा टेंशन है, वो देख लेंगे. आपका मोरल नीचे नहीं गिरना चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द ओनली एक्टिविटी दैट कैन डिलीवर नॉट ओनली द अदर्स बट मी ऑल्सो. ये हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं. उनका उद्धार छोड़ो, पहले हमारा उद्धार हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, करेक्ट. तो अपना उद्धार कैसे करोगे, बैठ के? केवल प्रसाद पाने से भी नहीं होगा, राइट. प्रसाद पाए वो जो कुछ नहीं कर सकते हैं शरीर से. यू आर ऑल यंग माइंड्स, यंग बॉडी, तो आपको तो अपना एनर्जी भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए, हाँ या ना? तो लगाओ और दबा के लगा. ईच वन ऑफ यू हैज द पोटेंशियल टू मेक 10 मोर पीपल कृष्णा कॉन्शियस, राइट. इज़न्ट इट? सो इमेजिन इफ ऑल ऑफ यू हु आर स्टेइंग हियर गेट 10 मोर पीपल ईच, दिस प्लेस विल बिकम वेरी स्मॉल, राइट, है ना? तो फिर बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा. एंड आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, एक साल में 10 लोगों को जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अब यहाँ 10 लोगों को लेकर आएंगे ना प्रोग्राम्स में, आपको गारंटी करो 50% क्राउड अपने आप आने लगेगा. और वही घर पे जाके आपके पेरेंट्स को प्रीच करेंगे और सबके पेरेंट्स भी भक्त बन जाएंगे. आप समझ रहे हैं संसार का उद्धार कितना जल्दी हो जाएगा, राइट. सो आई रिमेम्बर मैंने बुक दिया एक डिवोटी को जन्माष्टमी के दिन. वो बुक पढ़ा, 2 दिन बाद मुझसे मिला एंड क्लासेस में आने लगा. फिर उसके बाद पे कोविड आया, कोविड में मैंने सबको ऑनलाइन कोर्सेस करवाए. Today he is a Bhakti Shastri, his parents, his sisters, they are all chanting.
सिर्फ एक बुक के कारण, देखिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हम तो बहुत छोटी चीज़ करने के, एक लाइफ में 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते, इज आर अ बिग डील, राइट? जब 10 जुड़ जाएंगे ना, तभी आप बोलोगे 10 के अभी को 100 को और लेकर आऊँगा। वेयर दैट कॉन्फिडेंस, वॉक विद दैट कॉन्फिडेंस। आई एम अ प्राउड डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान की सेवा में मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। आई विल डू एनीथिंग दैट इंट्रोड्यूसेस पीपल टू कृष्णा, एंड बिलीव मी यू विल हैव अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की भी नहीं। आज मैं ना जुड़ा होता, आई वुडंट हैव नोन हिम। आई नो हिम फ्रॉम हिज जॉब डेज इन गुड़गांव, राइट? So today when I was coming here, I called him up and said, I'm coming and I want to spend time doing some service in Bhuvaneshwar. So he made this arrangement for me. So I have such a big family now. Wherever I go, I know devotees. And every devotee is so loving. They welcome us with open arms and a big heart. तो ऐसे अच्छी life और क्या हो सकती है? तो इस छोटे से shell में नहीं रहना है, अपने दायरे को बढ़ाना है. And the whole world is waiting for you, believe me. People here are all waiting. यहाँ पे problem ये है कि बुरी आदतों का influence बहुत ज़्यादा है लोगों पर. Do you agree that? Yes. How will you bring them out? They're all good people by heart, but their habits are all very bad. So आप उनको help करो, वो अपनी बुरी आदतों से निकले, अपनी original life में आए. And they should walk towards Krishna. Krishna is waiting for them. And believe me, आप अपने कारण तो शायद भगवान के पास ना जा पाओ, पर अगर कोई सिंसियरली जुड़ गया आपके कारण से, तो भगवान के पास जाना बहुत ईजी हो जाएगा. मैं सिर्फ इसी फेथ के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, दैट आई एम नॉट अ गुड डिवोटी एंड आई कैन नेवर बिकम अ गुड डिवोटी, बट द ओनली थिंग दैट आई नो इज दैट इफ आई मेक वन गुड डिवोटी, 100% कृष्णा विल टेक मी बैक होम, बैक टू गॉड. और इसी प्रयास में I feel very confident that today I have made many, many devotees, many places. There are few who have joined as brahmacharis in different temples also. Right? So, बहुत scope है. And आप सब एकदम perfect जगह पे हैं. आप यहाँ continue करिए. Give your best in life to your studies. Become masters in whatever you want to do in life. See, आपकी life पे जितना success आएगा, राइट, उसी सक्सेस को देखकर लोग भगवान कृष्ण से अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि आपका आधार अगर भगवद गीता है जीवन में सक्सेस का, तो आप जब दुनिया को बताएंगे, क्या लोग नहीं सुनेंगे? यत यत आचरे श्रेष्ठस तत्तदेव तरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्थ तनु वर्तते. कृष्ण भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि महान व्यक्ति जो करता है, बाकी दुनिया उसका पालन करती है. तो आप ही करिए. You should all achieve good jobs, do the best in your careers, become the best devotees, best children of your parents, right? Best disciples, and believe me, you'll have a very beautiful life. I always tell every student, look, you're here for studies, focus on your studies parallelly. With that, don't think your free time is an opportunity to invest doing something nonsense on social media. Do it constructively by giving some good stuff to others. And what could be better than distributing books? Right? And bahar niklo yahan pe to itna scope hai. There are so many people. 1 year of hard work, believe me, and that's going to get you one lifetime of success. One lifetime of success. I bet, ek saal mein agar aapne book distribution mein apna talent invest kar diya, एक साल के बाद आप चैंपियंस बन जाओगे. चैंपियंस मतलब कि आपको जो देखेगा वो अपने आप ही आके बोलेगा, प्लीज मुझे भी बुक दे दो पढ़ने के लिए. ऐसा होता है? एक साल में आपकी पूरी पर्सनैलिटी शेप हो जाएगी. लोग रोते हैं, यू नो दे कम टू मी एंड से वी कैन नॉट स्पीक वेल. आई टेल देम बिकॉज़ यू डोंट ट्राई. कैसे ट्राई करें? जाओ दुनिया से बात करो. किससे बात करें? कोई है नहीं. अरे बुक्स बांटो ना, जाओ जाओ ना, बात करो. आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए ना. आप बुक्स बांटोगे, बाहर निकलोगे, लोगों को बताना शुरू करोगे, सब हेजिटेशन खत्म हो जाएगा. दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑल्सो. बहुत स्कोप है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट कैन गिव यू ऑल प्रॉस्पेरिटी इंक्लूडिंग मटीरियल. सही कुछ समझता नहीं है.
इसीलिए आप सब संकल्प लीजिए कि आप सबको आगे बढ़ना है। कैसे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसके साथ पे आप जैसा अपना साधना कर रहे हो वैसे करते रहो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस संसार में विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप सब टिके रहोगे। और आनी है विपरीत परिस्थिति, चिंता मत करो, इससे कोई बचने वाला नहीं है। ये एक ऐसा तूफान है जो सबको लेकर डूबता ही डूबता है। ये हमारे साथ भी है, आपके साथ भी आने वाला है, और हो सकता है कईयों के साथ चल भी रहा हो। तब क्या करेंगे? केवल जिस शिक्षा के आधार पर आप अपने जीवन को व्यतीत इस समय कर रहे हैं, यही शिक्षा आपके जीवन में आपको एक मार्ग देने वाली है, विपरीत परिस्थिति में सबसे ज़्यादा। और आपको समय के साथ साथ ये समझ में आने वाला है 100%। सो वर्क हार्ड टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। यस, हरे कृष्ण। क्वेश्चन? तो मैंने बुक दिया कि भगवद गीता है पढ़ी, तो उसने नहीं लिया, बोला कि मेरे हॉस्टल में जगह नहीं है, वहाँ पे नॉन वेज खाते हैं लोग, मैं वहाँ नहीं रख सकता, लेकिन अगर आप कुछ मुझसे लेना चाहें तो आप ले लें। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं बिना बुक दिए आपसे कुछ नहीं लूँगा। देखो मैं आपको बता दूँ, ये तो बहुत अच्छा केस था, वो देना चाह रहा था आपको, उससे उसका पैसा तो लेना ही चाहिए था और उसको भी ले लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पर अच्छा नहीं है तो हमारे यहाँ पर आना, आपको मैं अच्छी जगह देते हैं, यहाँ बैठ के हमारे साथ पढ़ो। आओ, बोलो उसको, प्लीज़ आओ एक दिन तुम्हारे साथ बैठ के कुछ बढ़िया खाते पीते ले आओ, यहाँ पे खिलाओ उसको, बात करो और बोलो तुम्हें जब पढ़ने की इच्छा तुम यहाँ आओ, राइट। और यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो तुम दे दो भगवान की सेवा, मैं मना नहीं करेंगे। उसके वहाँ पे गलत है ना, वो रियलाइज़ करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वहाँ गलत है, हमारे यहाँ सब सही है, तुम यहाँ पर आ जाओ। गारंटी दे रहा हूँ दो तीन बार आने के बाद तुम बोलता भाई मैं यहीं शिफ्ट होना चाहता हूँ। That's what we want, isn't it? Problem kya hai? See, every opportunity is to be encashed, right? Uske saath story hai, hamare achhi story hai, to maan na, let's be a part of a happy story, isn't it? Aise logo ko aapko chhodna nahi hai. Take their name and number. Bolo usko, no problem, we'll invite you. You come. Once a week, we have a program. Come, let's have a nice food together. And you know what, whenever you want to study, come here and study. We have enough space, right? Mm-hmm. Yeah, anything else? आपका कोई तो कॉन्टैक्ट होगा, किसी का तो कॉन्टैक्ट देते ही होंगे, तो वो तो देट, यू नो वॉट आई टेल यू, मैंने डीओ में शुरू किया स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, जगह जगह पे हमने A3 साइज के क्रिएटिव डिज़ाइन करके चिपका दिए थे, इन केस यू आर फीलिंग लोनली, इन केस यू हैव डिफिकल्टी ईटिंग गुड फूड, इन केस यू नीड काउंसलिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट, और यू नीड गुड एसोसिएशन, यू वांट टू लर्न योगा एंड मेडिटेशन, प्लीज कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। Right, and it worked, right? So we had this case where someone said, I'm feeling very depressed, I want to commit suicide. I said, before you commit suicide, please meet us, right? We might help you not committing suicide, or probably we'll give you better ideas of how to commit suicide pain-free. So I think, you know what, this really works. Probably in the regional language, English, Hindi, ऐसा कुछ 10-10 प्रिंटर निकाल के प्राइम लोकेशंस पे चिपका दो, क्रिएटर्स बनवा के A3 साइज पे, राइट, वेयर लेट पीपल रीच अस आउट, लेट देम डिस्कस, है ना। एंड जिन जिन के नंबर्स आ रहे हैं सेव करके रखो, इफ यू फॉलो अप फ्रॉम देम आई एम टेलिंग यू प्रभु, दिस सक्सेस इज ह्यूमंगस एंड इट रियली वर्क्स। ऐसे लोग ही बुक लेकर जाएंगे, बांटने की जरूरत ही नहीं, बाहर जाके अपने आप ही आके लेकर जाएंगे वो लोग, isn't it? So I did all that. मैंने डी यू में किया था ये, and it really works. You're looking for chat parties, right? Come, we are here to chat with you. People come, ठीक है, अब खाली है, क्या करेंगे, let's find a chat buddy. आ जाओ यहाँ पे, sit with us, let's chat, let's have some snack. And they really like this idea. So I think if you try and
do this, you never know, might work. In Dio to it worked for me. Right, so, you thought it? ऐसे लोग दे सोचिए ना दिन में 10 ऐसे फ़ोन कर लेंगे और 10 बार आप यहाँ बुलाएंगे 10 बक्स तो वैसे ही निकल जाएंगे राइट क्योंकि जब भी कोई परेशान होता है ना ही डजंट माइंड इन्वेस्टिंग मनी है ना एनीथिंग एल्स सी आई हैव अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन मेरा क्वेश्चन है हाँ श्योर जैसे हम देखते मतलब हमारे से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं आते हैं हमारे पास और लेकिन क्या है हम सबको समय नहीं दे पाते हैं That is true. और मतलब अभी जो प्राइवेट फंड्स हैं उसको भी समय नहीं दे पा रहे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा लेकिन हमको हमारे लिमिटेशन पता है कि हम समय नहीं दे पाएंगे तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारे स्केड्यूल को मैनेज करें See, it's very difficult. I think at someone of your responsibility level, it's very hard to manage, right? And I, of course, know what you're doing. I think the best is to have more outstation trips for them. I remember I did 35-40 people trip to Ujjain, right? Prabhu, humanly impossible. Main kis kis ke touch mein rahunga. But can you believe it? I know of 20 plus people from that trip who are in touch with me regularly. One of them called me up one day, और सुदामा प्रभु क्या हाल है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ आप बताओ बस बहुत बढ़िया आज आज मैं बड़ा खुश फील कर रहा था मैंने बियर पी थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ मैंने कहा कर लो यार नहीं आप पीते हो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ कभी पिलाओगे तो मैं मना नहीं करूँगा My only point is वो बदलने वाला नहीं है इतनी आसानी से पर उसको पता है कि अभी उसके किसी भी परेशानी में या सुख में वो किसी को तो याद कर रहा है वो एक साधु को याद तो कर रहा है अभी मैं उसको लेक्चर दूँ वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे वो हाय है तो अच्छा नहीं है तो समझो टॉक टू हिम गिव हिम टाइम फिर एक बार उसका फ़ोन आया मैंने द्वारका मंगल आरती के लिए जाना है मैं कहा जा भाई किसने रोका तेरे को कितने बजे होती है 4:30 बजे मैं आपको वहाँ जाकर सुबह फ़ोन करूँगा मैंने कहा देन ही कॉल्ड मी अप Right? See, Prabhu, it's a very slow process where people turn favorable to the reality of life. And it's a journey. Let them pursue it. Outstation trips, jitne zyada honge, believe me, aapko unke saath time spend karne ka mauka utna zyada mile. Aur unko bhi milta hai. They get to know you. Dusra, I think your number should be with everyone. Let them reach you out. You cannot. That is for sure. मैं भी अपना नंबर सबको देता हूँ कह के भाई आप रीच आउट कर लो मैं तो नहीं कर पाऊँगा आपको आप जितना ज़्यादा रीच आउट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको याद रखूँगा एंड उतना ही ज़्यादा हम कॉन्टैक्ट में रह पाएंगे बट अगर आप कम कर दोगे देन आई मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू एंड दिस रियली वर्क्स एंड हेल्पलाइन नंबर में यू शुड हैव 2-3 एक्सपीरियंस डिवोटीज हु आर केपेबल इनफ ऑफ नोइंग द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल एंड बिलीव मी प्रभु यू नो इन नो टाइम यू विल सी अ लॉट मेनी रीचिंग यू आउट अ लॉट Because for me, this turned out to be a big success in Dio. I think free food is something that anyone can do, but helping someone when someone really needs it is like hitting the nail at the right place at the right time. Right. So, मुझे लगता है ऐसी books बहुत निकल जाती हैं. You know what? एक बार आपने किसी की difficulty में help कर दिया, that person is in your favor throughout his life. अभी I just call people and say. बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है व्हाट आर यू डूइंग वो कहते हैं आप बता दो क्या करना है आई टेल देम देख लो कुछ नहीं तो एक एक महीने की सैलरी तो कर ही सकते हो कर दो एंड देन यू नो वी हैव पीपल हु अर्न 1.5-2 एंड देयर आर दोज हु आर अर्निंग इवन मोर राइट तो अभी एक एक महीने का ऐसा करते करते गुड़गांव बेस में भी जब टेम्पल इनॉग्रेशन हुआ 10 लाख रुपया कैसे इकट्ठा किया ऐसे ही तो किया They all contributed their one month salary each. So, okay, 10 lakh rupees. So, I don't think it's difficult here also. But you know things better than me. Right? So, this is my understanding about how book distribution activity can be done. And aap sabko pura jeevan bhakt banke rehna hai. Aap bhi is plan ke saath chalo. कि नौकरी चाकरी तो देखिए आपके कर्मों पर डिपेंड करता है आपको क्या मिलेगा कितना मिलेगा कब मिलेगा पर भक्ति केवल आपके प्रयास पर डिपेंड करता है वो कर्म पे नहीं है वो केवल कृपा पे है वो कृपा आप पे हो चुकी है अभी संभाल लो यदि ना संभालो तो
तो भक्ति छोड़ दोगे तो फिर उसमें आपका बैड लक है, राइट? वी फील सॉरी कोई चला गया, पर उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बताइए, करेक्ट? हम तो चाहते हैं कोई ना जाए, पर यदि आप चूज़ करते हैं आपको छोड़ के जाना है तो जाओ। इस संसार में बहुत आकर्षण है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। वापस भी आओगे तब भी आपको बाहें फैला के कोई ना कोई बोलेगा आ जाओ, राइट? बट देन ऐसा ना हो कि आपको कभी जाना पड़े, ऐसा प्रयास करो, ऐसा संकल्प ले लो। दैट इज़ माई हम्बल सजेशन, एंड यू विल सी योर लाइफ इज़ वेरी ब्राइट अहेड। आई कैन गिव यू दिस वर्ड ऑफ अश्योरेंस, दिस कॉन इज एक्सपैंडिंग। कल को आप सारों में से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स निकल के इस कॉन को आगे लीड कर सकते हो, राइट? The scope, a lot of scope. And believe me, when you are doing something for society, society recognizes you. Varna, what a big deal having a good corporate job. Who cares for who's the CEO of Microsoft, by the way? Do you care? But if that CEO of Microsoft becomes a Hare Krishna devotee, you care, right? Then? Right? Mera client, mujhe phone karke bolta hai, ki meri, you know, I have a client, so she's the EA to the CEO of अ कंपनी कॉल ऑथब्रिज। उसके इन लॉस की एनिवर्सरी तो मुझे फ़ोन करके बोल रही है मेरे इन लॉस को अपने टेम्पल में अच्छे से दर्शन करा देना, राइट? एंड देन शी सेंडिंग मी मनी फॉर इट कि वो आए तो प्लीज़ एक बढ़िया सा फ्रूट और मिठाई सब उनको बोलना कि वो भोग लगा देंगे, राइट? एंड देन यू कैन ऑल्सो कीप दिस मनी एज डोनेशन टू द टेम्पल, बट प्लीज़ गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज आई एम अ डिवोटी। शी नोज कि मैं इसको रीच आउट कर सकती हूँ वेन एवर आई वॉन्ट एनी आउट ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशनल सपोर्ट। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यू विल बी रिकॉग्नाइज मोर बींग हरे कृष्ण डिवोटी देन योर मटीरियल अचीवमेंट्स। वाई? बिकॉज दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट? योर 24 लाख 36 लाख पैकेज इज नो बिग डील। आई नो ऑफ समवन हु इज वन सीआर पैकेज एंड ही इज़ अ डिवोटी ऑफ आर टेम्पल इन गुड़गांव, राइट? एंड इज इनिशिएटेड नाउ, रिसेंटली उसका इनिशिएशन हुआ, वेरी हम्बल, वन सीआर पैकेज, कैन यू बिलीव इट? एंड वो आता है टेम्पल में, बहुत सिंपल, पता भी नहीं चलता उसका, केवल प्रसाद बांटता है, राइट? एंड वेरी इंटेलेक्चुअल ऑल्सो बिकॉज ही इज़ फ्रॉम आई एम, राइट? बट देन पीपल नो हिम, वाई? बिकॉज ही इज़ अ डिवोटी। हिज ब्रदर इज़ HOD इन एम्स एंड उसका भाई 100% सैलरी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जस्ट इमेजिन। तो आपको वैल्यू तब मिलती है जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, ना कि केवल अपने लिए कुछ करते हो। तो करो, अच्छा मौका है नाम कमाने का। जब आप बुक्स बांटोगे लोग ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, वरना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो मैं आज कुछ भी नहीं करूँ, मैं किसी को भी फ़ोन करके बोलूँ प्रभु जी यू नो मंदिर के लिए हमें फंड्स चाहिए, वो खुद कहते प्रभु जी बता दो कितना चाहिए, सब करते हैं हम। नहीं करेंगे तो इकट्ठा करके लेकर आएंगे करके दें, राइट? सो भगवान की सेवा में जुड़ना है और दूसरों को जोड़ना है। इस प्रकार की मनोस्थिति के साथ आगे बढ़ोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस आपको बहुत मिलने वाला है। इस प्रार्थना के साथ कि आप दृढ़ विचार के साथ अपने जीवन में कायम रहो, उम्मीद है अगली बार भी मुलाकात हो। हरे कृष्णा। नित्य सेवा को मैनेज क्या करना है, वो तो मैनेज हो ही रहा है। सी प्रभु, रेसिप्रोकेशन इज द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। देखिए सबसे पहली बात, कृष्ण की सेवा में जो लगना चाह रहा है, चाहे वो बड़ा पैसा दे या छोटा पैसा दे, उसका अपना भाव अपनी श्रद्धा है। आप उसको क्वांटिफाई पैसे से नहीं कर सकते, करेक्ट? पर एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप कि जितनी क्षमता है रेसिप्रोकेट करने की वो आप करो, चाहे वो महाप्रसाद से हो या किसी बड़े फेस्टिवल में उसको प्रायोरिटी इनविटेशन से हो, राइट? या उसके सुख दुख में आप उसके जाके कितना निभा सकते हो वो निभाना है। सी कल्टिवेशन हैपन्स एट अ वेरी पर्सनल लेवल, इट डजंट हैपन एट अ मॉनेटरी लेवल कि उसने पैसा दिया आपने थैंक यू बोला एंड ऑफ द स्टोरी। नो, उसके सुख दुख में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कैसा हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप उतना इंटरेस्ट लेते हो ना, दे ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू एंड योर प्रोजेक्ट्स, राइट? बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन रेसिप्रोकेट विद पीपल। आई रिमेंबर हमारे एक डिवोटी हैं, वो इनिशिएटेड नहीं थे उस टाइम पर, उनकी 3 साल की बच्ची का मर्डर ऑर्गन फेलियर हो गया,
एंड ही कॉल्ड मी अप एंड सेड दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद माई डॉटर शी वॉज जस्ट 3 years ओल्ड एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड टू बी इन द हॉस्पिटल टू बी विद हिम टू स्पेंड टाइम विद हिम ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं कर सकता भाई पल्टे ऑर्गन फेलियर आई एम नॉट अ डॉक्टर डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा बट आप उनके साथ खड़े हो यू आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम यू नो गिव्स हिम दैट करेज टू फेस द सिचुएशन इवन मोर बोल्डली अब बहुत सारे लोग हैं आई हैव अ इलेक्ट्रिशियन कितना कमाता है 700 rupees पर डे ओनली राइट दैट इज़ नथिंग पर अगर आप उसका भाव देखोगे ना सेवा और साधना का समटाइम्स आई ऑल्सो फील वेरी अशेम्ड कैसे रेसिप्रोकेट करो हमारे होली थी कैन यू इमेजिन उनकी वाइफ ने प्रभु गुजिया बना के भेजी मेरे लिए सो स्वीट वो अपने काम ख़त्म करने के बाद तो मेरे को देने के लिए आए और फिर मैं उनको बेस में लेकर गया मैंने कहा ये माता जी ने भेजा है तो मैं इसको अकेले नहीं खाऊंगा सब भक्त मिल बांट के खाएंगे आप चलो और सबको अपने हाथों से बांटना ही रियली लाइक्ड कि देखो हमारा इतना सत्कार हो रहा है कि मेरे को यू नो हमने कुछ लाया है और आज मैं सब भक्तों में वो बांटने वाला सो यू नो व्हाट लविंगली रेसिप्रोकेशन मीन्स एंगेजिंग देम इन मोर सर्विस एंड अप्रिशिएटिंग देम एट द सेम टाइम देखिए प्रभु लोग दो लोग चीज़ के भूखे हैं एक प्यार और एक कदर कदर लव एंड केयर ये दो चीज़ आप लोगों को बहुत जेन्युइनली दो इस पर कंजूसी मत करो राइट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये पूरा संसार आपकी सेवा आपके लिए सेवा करने को खड़ा है क्या छोटे से छोटा व्यक्ति तो क्या बड़े से बड़ा दिस फंडामेंटल वर्क्स फॉर एवरी वन नाउ आई नो अ फ्यू पीपल हु आर सो वेल प्लेस्ड राइट मतलब यू जस्ट हैव टू कॉल देम एंड से वी नीड मनी ओके दे हाउ मच डू यू वांट इन द सेंस प्रभु उनका महीने का खर्चा घर का 12 lakh rupees का खर्चा है जस्ट इमेजिन क्या लाइफ स्टाइल होगा उनका यू नेम अ कार दे हैव इट स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑडी टू अ जैगुआर टू अ मर्क एवरीथिंग बट यू कॉल देम एंड से यू नो व्हाट हेल्प अस अप फ्रंट रेडी टेल मी हाउ मच डू यू वांट अप फ्रंट व्हाई Because we remember their birthdays, we remember their anniversaries, we send them token of appreciation every now and then, right? कितनी बार invite किया वो मंदिर नहीं आता है लेकिन फ़ोन करोगे फ़ोन उठा के बात करेगा और वो एक दिन बैठा यू नो आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई टोल्ड हिम आई सेड व्हाट्स हैपनिंग He said, regular life problems. I said, what problem do you have? You're making so much of money. He said, do you think if we make a lot of money, there are no problems? He said, बहुत सारी problems हैं. मैंने कहा, क्या है? कहता, सबसे बड़ी problem ये है कि हम अपना घर छोड़ के यहाँ पे काम करने आए हैं. मेरे घर का किराया 3.5 lakh rupees महीने का. मेरे office का किराया 2.5 lakh rupees महीने का. Right? 2 lakh rupees मेरा petrol का खर्चा है गाड़ियों का. मेरा staff है जो मेरे घर पे काम करता है मेरे ऑफिस पे काम करता है 3 lakh rupees उनकी सैलरीज हैं वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज हम उस सर्कल में उठते बैठते हैं राइट तो उसे ऐसा करते करते 12 lakh rupees मुझे गिनवा दिया महीने का फिक्स्ड खर्चा है ही ऑफकोर्स कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है बट देन ही सेड द ओनली थिंग दैट आई लाइक यू फॉर इज व्हेन यू कम टू माई प्लेस इट गिव्स मी पीस ठीक है इफ दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू आई एम हैप्पी डूइंग इट फॉर यू इफ माय प्रेजेंस कैन गिव यू पीस एंड इट्स गुड राइट तो मैं कुछ नहीं करता उसकी वाइफ के बर्थडे पे उसके बर्थडे पे केक भेजता हूँ मैसेज भेजूंगा कहीं कभी कॉल नहीं उठाएगा ही रेसिप्रोकेट ही वाज ब्लेस्ड विद अ गर्ल राइट आई सेंड हिम अ वेरी नाइस बेबी गिफ्ट सी बिकॉज ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सच एन एक्सटेंट It doesn't pinch me spending 15,000 rupees giving him a very nice gift also, right? That's how you reciprocate with people, right? At one shot, he's willing to give me whatever money I want. It's a different story, I don't take undue advantage, right? But then he's willing to offer it. ऐसे लोगों से reciprocate भी करना पड़ता है equally. So nitya seva को आपको cultivate करने के लिए ना, you should have interest in their life. देखो सुख की घड़ी क्या है दुख की घड़ी क्या है जाओ जाके खड़े हो जाओ यू सी वो आपके फेवर में आएंगी नहीं